नमस्ते गाइस, दिस इज कृष्णकांत सिंह। नमस्ते गाइस, दिस इज मितेश सिंह। तो गाइस, आपने इसको हमारे प्रीवियस वीडियो में भी देखा ही होगा और एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, तो आप लोग ने अभी तक नहीं देखे तो जाकर जरूर देखे, काफी अच्छी वीडियोस है, लोगों का भी अच्छा रिस्पॉन्स है। तो आज हम लोग एक वीडियो लेकर आए हैं और वीडियो का टाइटल है समी यूसुफ, जैसा आप लोग सब जानते हैं, और मोस्ट पॉपुलर जो सॉन्ग अभी इन्होंने, सॉन्ग क्या आप नाच कह सकते हैं इसको, इन्होंने जो भी पढ़ा है या गाया है हस्बी रब्बी लाइव इन न्यू दिल्ली इंडिया, और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको पसंद किया है। तो वही आज मैं इसके ऊपर रिएक्शन करने वाला हूँ और इसको भी दिखाने वाला हूँ। हाँ, मैं भी इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड। हाँ, मेरे काफ़ी मुस्लिम फैन है, इसे सुनते रहते हैं। अच्छा। तो वही है, देखते हैं चलो क्या है। तो यार लेके आ कभी, उनको भी इन्वाइट कर। ठीक है, उनको भी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, है ना। हाँ, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि अभी हमारे कोई मुस्लिम फ्रेंड्स आए तो उसके साथ भी रिएक्शन करें बैठ के। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जो ओरिजिनल वीडियो की लिंक मिल जाएगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाकर चेकआउट कर लेना। तो हियर वी गो, 1 2 3 एंड स्टार्ट। हाय गाइस, सो गाइस, मैं आज आप लोगों को एक ऐसे वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे कि मैं अपने कॉलेज टाइम पर अर्निंग किया करता था, जैसे कि कुछ पॉकेट्स मनी वगैरह निकालने के लिए। तो जरूर आप लोग भी इससे घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। तो गाइस, मैं आप लोग को फटाक से दिखा देता हूँ कि इसके अंदर करना क्या होता है। सर, आप मुझे, मैं सबसे पहले देखता हूँ और ये मैंने ग्रीन बटन पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अब मुझे लग रहा है कि अप ही जाएगा और होप अप ही जाए, डाउन ना जाए, क्योंकि काफ़ी देर से मैं देख रहा था कि ये, अरे यार डाउन जा रहा है। वैसे येलो लाइन जो है ना उसके ऊपर ही रहना चाहिए जब तक वो रेड लाइन क्रॉस नहीं हो जाती। दिल की धड़कनें थोड़ी सी फास्ट है, लेकिन छोटा अमाउंट करके देखिए। और ये जीत गया। तो गाइस, आप लोगों ने देखा मुझे यहाँ पे $81% का प्रॉफिट हुआ है। तो जाइए अभी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, और पहले जो 200 लोग रजिस्टर करेंगे उनको मिलेगा डबल बोनस। वो तन्हा कौन है, बादशाह वो कौन है, स्टेज अच्छा है यार, ओ मेरी वो कौन है, क्या ऊंची शान है, अल्लाह अल्लाह उसकी सपनी शान है, अल्लाह ऑडियंस भी एंजॉय कर रही है। हाँ, ऑडियंस भी एंजॉय कर रही है। Alemin padişahı Allahu Allah Yüreklerin enahı Allahu Allah İşit Allah dertimi bu ahlarıma Arabi language bhi use kar rahe hain mere ka Arabi aur Urdu ahlarıma Arabi language Hayreyle hem akşam hem sabahlarıma Bir Rabbi zillallah Allahu हमको यहाँ बैठ के इतना मजा आ रहा है, कंप्यूटर वाले लाइव देखने में कितना मजा आ रहा होगा। या रब العالمين الله الله صل على طه الامين الله الله في كل وقت وحين الله الله املا قلبي باليقين الله بتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمؤمنين الله الله حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله الله الله
محمد صلى الله 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 لا اله الا بہت انجوائے کر رہے ہیں اپنا گانے گاتے ہیں ان کے جو ٹیم والے وہ بھی سب ہم ادھر اتنا انجوائے کر رہے تھے وہ بھی اتنا کر رہے ہوگا نا اس سے ڈبل ہوگا نا اس کے پیچھے ٹیم اچھی ہے یار ان کے ٹیم میں تو اس کی آواز تو ماشاء اللہ आवाज़ में ना यार बहुत ठहराव है, मतलब ऐसा होता है ना कि एकदम से बीट डाउन जा रही है एकदम से अप हो जा रही है, मतलब बहुत ही जबरदस्त आवाज़ लगी मुझे तो आज। जैसे अरबी में सॉन्ग है पर फिर भी दिल को छू जाता है ऐसे सॉन्ग है ना। हाँ, और वहाँ के लोग भी साथ ही साथ गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सारे के सारे लोग, मस्त लग रहा था, दिल को छूने वाली आवाज़ है वो। उनकी टीम में जो साइड में जो बैठे थे दो चार लोग, वो लोग भी जब साथ में गा रहे थे तो एक बहुत ही अच्छा एक बैकग्राउंड जैसा लग रहा था, नहीं होता वो कवाली में नहीं होता, कवाली टाइप साइड में बैठ कर जो गाते हैं, बाकी जो इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे थे जितने भी थे सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट बेस्ट थे है ना, और ऑलमोस्ट सारे ये इंस्ट्रूमेंट थे, और वो भी सारे ऐसे ही नहीं कि सारे मॉडर्न हो, पुराने जमाने के कुछ कुछ ऐसे ऐसे थे इंस्ट्रूमेंट जो गायब हो रहे धीरे धीरे, ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो प्ले कर रहे थे। और ये हुआ है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में तो हमने समी यूसुफ की कुछ वीडियोस भी देखी हुई हैं, और अब हमें इनके बारे में पता चल चुका है, हमने मास्क कलंदर के ऊपर भी रिएक्शन किया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप जाके हमारे चैनल पे देखिए। दूसरी बात ये कि काफ़ी लोगों ने इस वीडियो में बताया भी हमें कि ये दुबई में रहते हैं शायद, दुबई में रहते हैं और इंडिया और बहुत सारे कंट्रीज में ये अपने शोज़ वगैरह करते हैं, अफगानिस्तान में भी जाते हैं, दुबई में भी करते हैं, और इनको लैंग्वेज भी काफ़ी सारी आती है, तुर्किस लैंग्वेज भी आती है, ठीक है शायद से उर्दू तो आती है, अरबी भी आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश तो आती है, काफ़ी सारी लैंग्वेज जान गई है हाँ, तो ऑल इन वन पैकेज है, तो वही है। तो गाइस हमने तो वीडियो काफ़ी एंजॉय किया, होप आप लोग ने भी एंजॉय किया होगा वीडियो को, और तो और क्या लगा तुझे कि ऐसा मतलब हाँ जिस तरह से पुराना स्टेज बना है उसे ऐसे म्यूजिक के कंपेयर वो भी लाइट भी ऐसे हो रही ना जैसे उसको मैच कर रही है ऐसे, जैसे ऑडियंस में और जोश आता है, अच्छा लगता है उन लोगों को भी काफ़ी कुछ। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो जो पुराने जैसे ढोल शोक, अच्छा तेरे कोई दोस्त हैं मतलब जिनको उर्दू समझ आती हो? हाँ मेरे काफ़ी सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जिसे उर्दू आती है, समझ में आती है, वो लोग बोल भी लिखते हैं, बोल भी देते, थोड़ा लिख लेते हैं। अच्छा तो अच्छी बात है यार, एक बार बुलाना चाहिए मेरे ख्याल से, तो है ना मज़ा आएगा इस तरह की वीडियोस देखने बुलाना चाहिए। और अगर वो लोग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें नहीं समझ आते, तो अगर हमारे साथ कोई ऐसा बंदा बैठे जिसको ये सारा पूरा समझ में आए तो वो चलो वो तो एंजॉय करेगा ही करेगा उस टाइम पे, लेकिन वीडियो खत्म होने के बाद एटलीस्ट वो हमें समझाएगा, समझाएगा है ना, तो मज़ा आएगा। और जब क्योंकि मेरे को लग रहा है कि जो लाइन्स थी ना उनकी बहुत मीनिंगफुल थी, मीनिंगफुल थी है ना, क्योंकि वैसे साउंड में तो बहुत दम था ही गाने के टाइम पर, लेकिन लोग जिसको समझ आ रहे होंगे लोग बहुत एंजॉय करते हैं, ऑडियंस भी साथ ही साथ गा रही थी, क्लैप कर रही थी, तो एक लोगों का भी जोश बना हुआ था। और ये वीडियो कब की है पता नहीं, और कब हुआ था ये भी नहीं पता, तो शायद मुझे लगता है कि इसी ईद की हो सकती है, मे भी या रमज़ान के टाइम की हो सकती है। तो जो भी कुछ है गाइस आप लोग कमेंट करके बताना, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग देना चाहते हो, या फिर इनकी और कोई वीडियोज़ पर अगर रिएक्शन हमारा देखना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना। और हाँ, काफ़ी लोग पूछ रहे होंगे कि शिल्पा कहाँ गए, तो शिल्पा आ जाएगी कुछ दिनों बाद, जब अभी वो बाहर गई हुई है, ठीक है, तो तब तक हम लोग काम कर रहे हैं अपने हिसाब से। तो गाइस चलते हैं, फिर मिलेंगे इधर की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी गाइस, बाय।